हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं खबर कार्तिक आर्यन की। जी हां, खबर ये आ रही है कि रेड चिलीज यानी शाहरुख खान की कंपनी ने भी कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और दूसरी तरफ खबर ये भी है कि कार्तिक आर्यन ने फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया है। लेकिन मामला ये है कि हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और लेकर आया हूं खबर कार्तिक आर्यन की। जी हां, शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज ने भी धर्मा प्रोडक्शन की तरह कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज के बैनर तले बनने वाली फिल्म गुड बाय फ्रेडी, जिसके डायरेक्टर थे अजय बहल, जिन्होंने बीए पास बनाई थी और काफी चर्चित फिल्म रही, उसमें कैटरीना कैफ और कार्तिक आर्यन ये दो कलाकारों की फिल्म गुड बाय फ्रेडी, जिसको अजय बहल बनाने वाले थे, उसमें कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इसके पीछे जो दबे छुपे सूत्रों से खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन को 2 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट दिया गया, उनको स्टोरी सुनाई गई, उनको डायरेक्टर बताया गया, और अब धीरे धीरे कार्तिक आर्यन जो है वो स्टोरी में बदलाव चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि स्टोरी में उनके हिसाब से कुछ कुछ बदलाव हो जाए। यहां तक कि ये भी वो चाहते हैं कि डायरेक्टर ही बदल दिया जाएगा, स्टोरी नहीं बदली जा सकती। और ऐसे में रेड चिलीज प्रोडक्शन, जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है, उन्होंने कहा कि भाई हम डायरेक्टर तो नहीं बदलेंगे, हम स्टार बदल देते हैं, और उन्होंने कार्तिक आर्यन को अलविदा कह दिया है। और कार्तिक आर्यन ने 2 करोड़ रुपए का जो साइनिंग अमाउंट था वो उन्हें वापस कर दिया है, ये भी खबर है। अब दूसरे पक्ष से खबर ये आ रही है कि कार्तिक आर्यन को स्टोरी पसंद नहीं आई और काफी उन्होंने सोचा और उन्होंने 2 करोड़ का साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया और ऑप्ट आउट कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या वजह है धर्मा प्रोडक्शन से कार्तिक आर्यन बाहर हो जाते हैं, लगभग 20 दिन के शूट के बाद वो बाहर हो जाते हैं, तकरीबन 10 12 15 करोड़ का नुकसान भी हुआ होगा, उसके बाद रेड चिलीज से बाहर हो जाते हैं, यानी उधर करण जौहर है, इधर शाहरुख खान है, ये दो बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री जिनकी फिल्मों में से कार्तिक आर्यन बाहर हो जाते हैं। तो क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कार्तिक आर्यन वाकई इतने बेवकूफ और अमेच्योर है कि वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे कि वो इतने बड़े बड़े नामों के साथ बड़ी बड़ी फिल्में करने के से बच रहे हैं, या वो अनप्रोफेशनल हो जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं, या कोई और एंगल है। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से कार्तिक आर्यन, जो कि एक ग्वालियर से आया लड़का आज इतना बड़ा नाम लेकर बैठा है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कारण कोई भी हो, वो एक जगह बैठे सोचे, क्योंकि ये ऑनलाइन में जो उनको सपोर्ट मिलेगा, इसके बाद भी लोग बोलेंगे करण जौहर मुर्दाबाद, शाहरुख खान मुर्दाबाद, ये और वो, और फिल्म इंडस्ट्री के भी कई सारे जो असंतुष्ट लोग हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या कार्तिक इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्या ये मुद्दा हल होगा? नहीं, इसमें आपको बैठना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि दो बड़े बैनर आपको बाहर कर दे रहे हैं, या वो बात नहीं बन रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कार्तिक आर्यन के लिए वाकई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे स्टार के साथ बहुत कम प्रोड्यूसर काम करना चाहते हैं जिनके माथे पे ये चीज लिखी हुई हो कि उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में बहुत सोच समझ के बहुत बैलेंस तरीके से कदम उठाने की जरूरत है, और कार्तिक बहुत समझे हुए सुलझे हुए इंसान है, इंजीनियर है, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव रास्ता निकालेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी फिल्में देते रहेंगे।